चीन ने भारतीय सेना को लेकर कई गलतफहमियां पाल रखी हैं। वह अपनी गिदड़ भभकियों से पड़ोसी देशों को धमकाने की पूरी कोशिश करता रहता है। भारत से इतिहास के पन्ने पलटने की वकालत करने वाला चीन जब इन्हीं पन्नों में खुद को देखता है तो उसको घिन आने लगती है। साल 1962 में नवंबर महीने का 18वां दिन देश में दिवाली की धूम थी। वहीं लद्दाख की बर्फ से ढकी चुसुल घाटी की इतिहास रचने जा रही थी, लेकिन इस बात की भनक किसी को भी नहीं थी। यहाँ सीमा पर भारत के पहरेदार मौजूद थे। बटालियन में 120 जवान थे जिनके पास इस जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं था। वो इस माहौल के लिए नए थे। इसके पहले उन्हें इस तरह बर्फ के बीच रहने का कोई अनुभव नहीं था। तभी सुबह के धुंध में चीन की तरफ से कुछ हलचल शुरू हुई। बटालियन के जवानों ने देखा कि उनकी तरफ कुछ रोशनी के गोले चले आ रहे हैं। उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि ये रोशनी के गोले असल में लालटेन हैं। इन्हें कई सारे भैंसों के गले में लटकाकर चीन की सेना ने भारत की तरफ भेजा था। ये एक चाल थी। फिर चीन ने भारत पर हमला कर दिया। चीन की सेना पहले से ही हमले की तैयारी करके आई थी। ठंड में लड़ने की उन्हें आदत थी और उनके पास पर्याप्त हथियार भी थे, जबकि भारतीय टुकड़ी के पास 300-400 राउंड गोलियां और 1000 हथगोले ही थे। बंदूकें भी ऐसी थी जो एक बार में एक ही फायर करती थी। उन्हें दूसरे वर्ल्ड वार के बाद बेकार घोषित कर दिया गया था। चीन को इस बात की जानकारी थी, इसलिए उसने टुकड़ी की गोलियां ख़त्म करने के लिए यह चाल चली थी। चीन के सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। फिर मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पर सीनियर अधिकारियों से बात की, उनसे मदद मांगी। सीनियर अफसरों ने कहा कि अभी मदद नहीं पहुंच सकती, आप चौकी छोड़कर पीछे हट जाएं, अपने साथियों की जान बचाएं। मेजर इसके लिए तैयार नहीं हुए। चौकी छोड़ने का मतलब था हार मानना। उन्होंने अपनी टुकड़ी के साथ एक छोटी सी मीटिंग की, सिचुएशन की बफरिंग दी, कहा कि अगर कोई पीछे हटना चाहता है तो हट सकता है, लेकिन हम लड़ेंगे। गोलियाँ कम थी, ठंड की वजह से उनके हाथ जवाब दे रहे थे। चीन से लड़ पाना नामुमकिन था, लेकिन बटालियन ने अपने मेजर के फैसले पर भरोसा दिखाया। दूसरी तरफ से तोपों और मोटरों का हमला शुरू हुआ। चीनी सैनिकों से 120 जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। ज़्यादातर जवान शहीद हो गए और बहुत से जवान बुरी तरह घायल हो गए। मेजर खून से सने हुए थे। दो सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। मेडिकल हेल्प वहाँ मौजूद नहीं थी, इसके लिए बर्फीली पहाड़ियों से नीचे उतरना पड़ता था। मेजर से सैनिकों ने मेडिकल हेल्प लेने की बात कही, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि एक मशीन गन लेकर आओ। मशीन गन आ गई। उन्होंने कहा कि गन के ट्रिगर को रस्सी से मेरे एक पैर से बांध दो। उनके दोनों हाथ लथपथ थे। उन्होंने रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग करनी शुरू की। उन्होंने दोनों जवानों से कहा कि सीनियर अफसरों से दोबारा संपर्क करो। दोनों सैनिक वहाँ चले गए। बाद में उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। 3 महीने बाद जब बर्फ़ पिघली और रेड क्रॉस सोसाइटी और सेना के जवानों ने उन्हें खोजना शुरू किया, तब एक गडरिए ने बताया कि एक चट्टान के नीचे कोई दिख रहा है। लोग उसी चट्टान के नीचे पहुँचे जहाँ मेजर ने मशीन गन से चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। उस जगह उनका शव मशीन गन के साथ मिला। पैरों में अब भी रस्सी बंधी हुई थी। बर्फ की वजह से उनका पूरा शरीर जम गया था। पता नहीं कितनी देर तक वो चीनी सैनिकों से लड़ते रहे और कब बर्फ ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। उनके साथ उनकी टुकड़ी के 114 जवानों के शव भी मिले। बाकी लोगों को चीन ने बंदी बना लिया था। हालांकि भारत युद्ध में हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज़्यादा नुकसान रेजांग लो पर हुआ था। चीन के करीब 1800 सैनिक इसी जगह मारे गए थे। ये एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया। बाद में मेजर शैतान सिंह का उनके होम टाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद उन्हें देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारतीय सैनिकों के इसी साहस को देखकर चीनी लोगों ने अपने घुटने टेक दिए और 21 नवंबर को उसने सीज फायर की घोषणा कर दी। यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। जब भी भारतीय सैनिकों की वीरता और साहस की बात होती है तो ऐसा नहीं होता कि शैतान सिंह को याद नहीं किया जाता। तो दोस्तों, ये थे मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने चीन से आंख मिलाकर उन्हें करारा जवाब दिया था। और वैसे भी हमारी भारतीय सेना अब भी चीन को पीछे हटाने में कामयाब हुई है। हमें अपने भारत और भारत के वीर जवानों पर बहुत गर्व है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपके पास आते रहें।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।